और वो उनको पैसे आफ्टर कॉल आवर्स उनको मैसेज करें और कॉल करें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर और जितने भी चैनल हैं वो प्लीज मिस्टर फियाज एडवोकेट साहब को कांटेक्ट करें और गुलाम हैदर को मदद करो, क्योंकि गुलाम हैदर के लिए पूरा इंडिया इंतजार कर रहा है, इंडियन मीडिया भी इंतजार है, वहां के लॉयर भी इंतजार है। और इंशा अल्लाह गुलाम हैदर 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान जाएगा। ये मेरी चैलेंज है सचिन को और एपी सिंह को कि गुलाम बहुत हैदर अच्छा। लेके जाएगा। जिस दिन गुलाम हैदर इंडिया में आ गया, एपी सिंह और सचिन और सीमा हैदर, तुम्हारी बैंड बजने वाली है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मर्चेंट भाई, और मैं यहाँ पे एक चीज और भी ऐड करूंगा कि देखें, हमें पूरा पूरा हमारा किसी से कोई इस तरह का नहीं है। हमने एपी सिंह साहब को ये बात नीचे किसी ने कमेंट किया है शायद, मैं वो थोड़ा देख रहा था। अच्छा, हमने कई दफा भारतीय चैनल को ये कहा है, एपी सिंह साहब को कहा है, हमारे साथ आए, हमारे साथ लीगल डिबेट करें और कानूनी तौर पर हमारी बातों का जवाब दें। और बिलाखिर मैंने यहाँ पे अपना नंबर डिस्प्ले किया है, हमें आप लें, हमारा मौकफ सुने और अपना मौकफ हमें सुनाएं, और अगर आपके अंदर दम है तो हमारा सामना करें, फेस करें, हमें बुलाएं, हम आपको आपके कानून के मुताबिक समझाएंगे, हम आपको आपके कानून के मुताबिक बताएंगे, हम बताएंगे कानून कौन सा है, किस तरह से गुलाम हैदर अपने बच्चों की कस्टडी आपसे ले सकता है और किस तरह से वो लेकर जाएगा। तो ये बिल्कुल सही। मैं इंडिया न्यूज वाला जो आशीष है, जो बहुत 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 प्राउड करता है, मैंने सीमा हैदर को, सीमा हैदर ने मेरे को राखी बांधी, राखी बांधी, राखी बांधी। मैं सब वो इंडिया न्यूज वालों को चैलेंज करता हूँ और टाइम्स नाउ दूसरे दो चैनल हैं उन सबको चैलेंज करता हूँ। मुझे और फियाज भाई को बुलाइए, मैं मिस्टर मर्चेंट मैच मेकर ऑल्सो नॉर्वेज है और मैं इंडियन बॉर्न नॉर्वेजियन सिटीजन हूँ। आप मुझे बुलाइए, चैलेंज कर दो इंडियन मीडिया वालों, क्यों मुझे नहीं बुलाते, क्यों देखें वीआईपी जी, को नहीं बुलाते, देखें बुलाइए आप। देखें जी, हमने तो पहले भी बात की है कि अगर मीडिया बायस ना हो, मीडिया बिका ना हो, मीडिया न्यूट्रल हो, तो मीडिया का काम होता है खबर की तहकीक करना, वो दोनों पार्टीज का मौकफ सुने, वो पाकिस्तान से भी मौकफ सुने, हमें सुने, और एपी सिंह साहब को और हमें एक चैनल में लाइव बिठाएं और बात करें हमारे साथ लीगली कि किस तरह से ये मुमकिन है। ये क्या बात हुई, आप वन साइडेड एक ही चैनल को इंटरव्यू दें और अपनी मर्जी के, और हमने इनकी सहूलत के लिए यहाँ पे आज मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना आप वो डिस्क्लोज कर दिया है कि वो हमारे साथ आए, बैठ के बात करें। हम लीगली रोशन अली अजीम साहब हैं जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं, वो और मैं दोनों ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल रोशन अली अजीम साहब एक प्रोफेसर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, बच्चों को लॉ पढ़ाते हैं, बड़े अच्छे वकील हैं और मेरे भाइयों की तरह हैं। तो आप बिल्कुल गुलाम हैदर को लें, मुझे लें, रोशन अली अजीम साहब को लें, हमें आप लाइव में लें, फिर बात करें। ये क्या बात हुई, आप वन साइडेड अपनी मर्जी का पैनल बैठा कर जो मर्जी बात करते रहें और कानूनी बात करें, आप लाएं एपी सिंह के अलावा किसी और वकील को बेशक लाएं, आप लॉजिक के साथ बात करें, चाहे दो वकील रखें भारत की जानिब से, कानूनी बात करें। ये क्या बात हुई कि आप अपनी मर्जी से वो बिग बॉस में, आप देखें कैसा लॉलीपॉप दिया है पूरी को लेकर, सीमा हैदर बॉलीवुड में काम कर रही है, सीमा हैदर बिग बॉस में काम कर रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है, प्लान होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ये क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन सेटल होती है, ये लॉलीपॉप दे दिया पूरी दुनिया, सीमा हैदर बिग बॉस बन गई, सीमा हैदर कपिल शर्मा शो में जा रही है। ओ भाई खुदा का नाम ले, क्या फेकू मीडिया, कसम खुदा की क्या भोंडी हरकत तुम लोग कर रहे हो, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स आप किस तरह से कर सकते हैं, अभी तक उसकी शादी नहीं पता चल रहा किधर है, नेपाल जाते हैं वो कहता है, मैं होटल मैनेजर कहता है मुझे तो नहीं पता, अकेले ही कमरे में कहीं होगी होगी, ठीक है वो कहीं दर्ज नहीं है, भारत उसको मान नहीं रहा, मर्चेंट भाई ये क्या लतीफे चल रहे हैं, ठीक है। सब ड्रामा है। इंडिया में ओनली वन मैन शो है, मोदी, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, वन मैन शो है। मोदी गांधी गंगुतेली इंडिया का डिक्टेटर बन चुका है और वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए प्लेन में पूरी दुनिया घूमता है और वो पैसे उसने बहुत बनाए हैं। वो जो
रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज मोदी, अदानी अंबानी नहीं है, रिचेस्ट मैन इज मोदी। वो अच्छा, भारतीय मीडिया कितना क्लेवर है। वो एक 1992 का बाबा ले लेते हैं, वो क्या नाम है उसका, अरशाद की शमशाद, पता नहीं कहाँ से ले लेते हैं, पाकिस्तान से। मुझे तो वो कभी कभी लगता भी अफगानिस्तान का है, ठीक है। वो ना उससे कोई बात होती है, ना उसको कानून का पता उसका नाम है इरशाद खान, वो काला सा कलूटा सा टाई पहन के आता है और उसकी इतनी खिल्ली उड़ाते, इतनी मजाक करते हैं उसकी, उसको बोलने भी नहीं देते, है। उसको तो बोलने भी नहीं देते। मुझे तो वो एपी सिंह का भाई लगता है, यकीन करें। बिल्कुल, हाँ एपी सिंह का भाई है, उसको भी कुछ पैसा मिलता होगा इंडिया मीडिया, क्योंकि टाइम्स ना बुला रहा है, बार बार इंडिया न्यूज बुला रहा है, दूसरे सब न्यूज चैनल वाले उसको बुला रहे हैं, और उसकी क्या बिल्कुल मजाक और पाकिस्तान का बिल्कुल नाम करता है वो, उसका बिल्कुल। नाम है काला कलूटा। हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो भारत में प्रैक्टिस चल रही है, जो भारत में इम्प्लीमेंट हो रहा है बच्चों की कस्टडी के हवाले से, उसके तहत हिंदू हिंदू बच्चों की कस्टडी का तरीकाकार और है, और मुस्लिम बच्चों की कस्टडी का तरीकाकार उसमें भी प्रोवाइड किया गया है। बिल्कुल तुम लोग कैसे कहते हो भारत में कानून नहीं है, किस तरह से कस्टडी नहीं मिलती। फिर दूसरी बात आप देखें, बिल्कुल इसके अलावा मर्चेंट भाई आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत इंडिया जो है, उसका सेक्शन 5 से लेकर 11 तक डील करते हैं सिटीजनशिप को, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इलीगल इमिग्रेंट्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट सिटीजनशिप। उनको कभी शहरियत नहीं मिल सकती जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। हमारे साथ आप बात करें, फिर इमिग्रेशन एक्ट जो है, जो फॉरेन एक्ट है, वो क्लियरली लगता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को कैसे शहरियत मिलेगी। वो सबसे पहले अपना स्टेटस तो शो करे, इसने सबको लपू बनाया हुआ है। ये जो एपी सिंह है, लॉलीपॉप दिया हुआ है, सबको बेवकूफ बनाया हुआ है, और ठीक है। दूसरे चार बच्चे जो है वो मुस्लिम पाकिस्तानी नेशनल है, तो वो हिंदू इंडियन नेशनल को कैसे एडॉप्ट करेगा, वो कैसे कर दादा सकता, वो अलाउड नहीं है दादा कानून। और पूरा पूरा मैच फिक्स करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये असल में एक रेस में मेरा ख्याल है, ये एपी सिंह साहब जो है, ये आवाज आ रही है आपको, ये मेरा ख्याल है, अरे आवाज आ रही है, ये जो एपी सिंह साहब है मर्चेंट भाई, ये मेरा ख्याल है रेस में अकेले ही भाग कर फर्स्ट आना चाहते हैं। ये खुद ही दौड़े लगाकर फर्स्ट आना चाहते हैं, ये किसी और को मेरा ख्याल है अपने साथ नहीं लेंगे, क्योंकि इनके अंदर इतना दम नहीं है, ये डर गए हैं असल में। बिल्कुल। अभी तो एपी सिंह एक्सपोज होगा, जैसा ये केस खुलेगा ना, तो जो और लड़कियां उसके फार्म में, जो मानसी गुप्ता आ गई है ना, ऐसी और लड़कियां आएगी कि ये हमारे के अंदर कितने इसने रेप किया, एपी सिंह का करियर खत्म, फिनिश, वो जेल में जाएगा। अभी तो एक्सपोज होगा, हम तो दुआ करते हैं कि जल्दी ये केस कोर्ट के अंदर आए। ये यहाँ पे कोई इंडियन मीडिया के हमारे भाई आए हैं, G20 इज हेयर, क्या दिखा रहा है इंडियन मीडिया। देखें आप अगर G20 से बिलोंग करते हैं, देखें हमारा इसमें आप लोगों के बारे में बिल्कुल भाई सॉफ्ट एंड सेट व्यू है। आप सबसे पहले तो अपने जहन में किसी किस्म का अगर कोई तासुब है, किसी किस्म की कोई नेगेटिव चीज है, तो उसको निकालें, फिर हम बात कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई नेगेटिव चीज है, फिर हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं अभी आपके लिए लिंक शेयर करता हूँ। अगर आपने झगड़ा करना है, उससे नहीं चीजें होंगी। आप लॉजिकली हमें बात करें, लॉजिकली हमारे साथ बात करें। आप मुझे अपने चैनल पे लें, कानून में बताएं, क्या इलीगल, मेरे इस सवाल का जवाब दे दें, इलीगल इमिग्रेंट्स को शरियत कैसे मिल सकती है, ठीक है। ये आपका कानून है, ये हमारा कानून नहीं है, मैंने नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, ठीक है। उसका सेक्शन 5 से 11 पढ़ लें आप, रेलिवेंट मैंने आपको बताया, मैंने आप यहाँ पे आपको लिंक शेयर किया है। आप हमारे भाई हैं, हम सब लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। आप आए, लॉजिक के साथ हमारी बातचीत का, जो हमारी गुफ्तगू है, उसका सामना करें और उसका जवाब दें। ये तो कोई तरीकाकार नहीं, अब एपी सिंह साहब बैठ के कहते रहे, आप ही के वकील हैं AK मिश्रा, उन्होंने बुरे तरीके से आपके इस फर्जी वकील को एक्सपोज किया। बताएं कौन सा कानून कहता है कि आप किसी दूसरे मुल्क के झंडों की तौहीन करें, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाएं। आप पहले इस बात का तो जवाब दें, आपका मीडिया उसको अप्रिशिएट कर रहा है,
और आप नीचे कमेंट कर रहे हैं G20 इज हेयर, क्या दिखा रहा है इंडियन मीडिया? आप नहीं जानते क्या दिखा रहा है? आप नहीं जानते कि क्या दिखा रहा है इंडियन मीडिया? भाई अभी तो G20 के वजह से ये इंडिया और एक्सपोज होगा कि इंडिया में क्या चल रहा है। 400 लोग आ रहे हैं, 400 डेलीगेट वो आ रहे हैं, और वो दिल्ली में ही है, दिल्ली एंट्री नोएडा में रहे हैं, वहां की 40 के 45 होटलों में वो ठहरने वाले हैं, वो बुक है, और वो लोग जब बिल्कुल बाहर निकलेंगे तो लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। मीडिया जो नॉन गोदी मीडिया है वो उनको मिलेगा, वो एक्सपोज करेंगे। इंडिया की तो आठ लग गई अभी G20 में, ये सब बिल्कुल। एक्सपोज हो गई कि इंडिया में क्या हो रहा है, अच्छा, इंडिया यहाँ पे देखिए, क्या एक्सपोज हो रहा है। G20 यहाँ पे मीडिया चैनल मौजूद था, मर्चेंट भाई मैं यहाँ से अभी भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि देखें आप लोग बड़े जहीन लोग हैं। ओ भाई, आप तो चांद पे पहुंच गए हैं, ठीक है, आप लोग जहीन लोग हैं, आप ये किन चक्रों में पटे? आर दे नट्स? क्या वो उनको अकल नहीं है? शुरू में वो कह रहे हैं कि जी सीमा अदर जासूस है, और यार खुदा का खौफ करो, हमने 4 बच्चों की माँ जासूस बना के भेज दी वहां पे, उस वक्त मुझे हंसी आ रही। फिर देखें ये आपके वकील को डॉक्टर एपी सिंह साहब को किसी ने इतनी अकल नहीं दी कि जब आप किसी दूसरे ममालिक के बारे में बात कर रहे हैं, हर मुल्क के झंडे का एहतराम होता है, हर मुल्क के झंडे, क्या आपके किसी मीडिया चैनल ने इस बात की मजम्मत की है? अगर मैं कहूं पाकिस्तान मुर्दाबाद, आपको कैसा लगेगा? लेकिन हम आपकी तरह कमजोर लोग नहीं है, हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं, आधे से उतनी यहाँ पे पाकिस्तान की पॉपुलेशन नहीं है जितने मुसलमान वहां पे हैं, और हमें सिखाया गया है कोई भी मुल्क हो उसके झंडे का एहतराम है, उसके कौमी तिराने का एहतराम है। ये कौन सी बात है कि जिस तरह से वो ये क्या ये नुकसान करवाना चाहते हैं भारत का कोई हिंदू मुस्लिम? तो ये हमारा मौकफ था, आप हमें लें, हेल्दी डिबेट करें, लीगल डिबेट करें, लॉजिकल डिबेट करें, ये कोई तरीकाकार नहीं है। सीमा हैदर बिग बॉस में जा रही है, दिखाएं कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह से जा रही है बिग बॉस में, ये दिखा रहा है आपका मीडिया। आपने पूछा आपका मीडिया क्या दिखा रहा है, और भाई हमारे साथ बात करेंगे तो हम तो लीगली लॉजिकली आपको लपेट के रख देंगे, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बात करते हैं कि जी इस हेयर, आप क्या बात करते हैं? लेकिन यहाँ पे हम फिर भी कहेंगे लॉजिकली लीगल डिबेट करें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे इस बात का। जी मर्चेंट भाई, आप कुछ कहना चाहें? मेरा ख्याल है वो भाग गए। वो देखिए, ये सब गोदी मीडिया के सब दलाल है, वो ये जितने भी टीवी मीडिया वाले सब मोदी के दलाल है, वो वन साइडेड होते हैं। और अभी एक और न्यूज में बताऊं, हमारे गुजरात के अंदर दो हिंदुओं में बहुत बड़ा झगड़ा फसाद हो गया है, एक है देखें स्वामीनारायण। देखें 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 देखें, मैं मतलब भाई एक बात करूंगा, देखें अच्छा आपकी ठीक, जो होगी, लेकिन मैं फिर भी, मीडिया इज दी फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट होता है, मैं जितने भी मीडिया के लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये अपनी अपनी तरबियत है, देखें उनका जो भी हो ये अपनी तरबियत। और रुबिका लियाकत मुस्लिम होते हुए भी वो क्या मैं बोलूं अभी आपको। जी टीवी यहाँ पे, G20 यहाँ पे मौजूद थे, मैंने उनकी सहूलत के लिए लिंक शेयर किया है, आए एज ए ब्रादराना हमें ज्वाइन करें, देखते हैं कितना दम, आप आए जी ज्वाइन ट्वेंटी करें, वेलकम, वेलकम G20 वेलकम, आए जी, मैंने लॉजिकल लिंक बात शेयर किया है, मैंने लिंक बिल्कुल शेयर लॉजिकल। किया है, लिंक शेयर किया आपको मैंने, दावत दी है, आए ज्वाइन करें, हमारे सवाल के जवाब दें। आप बात करते हैं क्या दिखा रहे हैं इंडियन मीडिया, खुदा का खौफ करें यार, टोटली झूठ। आपने तो ऐसे समझा हुआ है कि जैसे लोग घास खाते हैं, लोग अकल शऊर नहीं रखते, लोग चीजों में तमीज नहीं रखते, क्या बात करते हैं? ज्वाइन करें, आए हमारा सामना करें, नहीं आएंगे मर्चेंट भाई, नहीं आएंगे। वो सब बिका हुआ है, सब बिके हुए हैं, और मोदी से डरते हैं सब। भाई मोदी तो अपोजिशन के मिनिस्टर को जेल में डाला हुआ है, मनोज को भी जेल में डाला। एमन रिजवी जो एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर है भारत में, हाँ उनको 2021 दावत दो, एमन रिजवी को दावत दो आप। एमन रिजवी मैडम आप आइए हमारे फैयाज भाई के चैनल पे, आइए डिबेट कीजिए, सभा को भी हम वो भी आए, मिथिलेश भाटी, गीता भाटी आप भी आए, और उनके जो लॉयर है रघुवंश रजनीश यादव वो भी आए हमारे चैनल पे प्लीज, और सचिन इसमें और सीमा को एक्सपोज करो,
और उसको इसमें रिपोर्ट तो करो। बहुत बार बार इस्माइल बाहर बार बार लप्पू की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हम ये भी कहते हैं कि हमारे लिए लप्पू के लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है।